ओहे गाइस, स्वागत है आपका अपडेट वाली एक और नई वीडियो में। गाइस ये वीडियो में की तरह बहुत ज्यादा मजेदार अपडेट फुल होने वाली है। आज इस वीडियो में बहुत सारी अमेजिंग अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप सुनने के बाद खुश हो जाने वाले गाइस। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अपने भाई के चैनल पोकेमोन आईएनडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन पे कर देना कि अपडेट वाली वीडियो आपसे ना छूटे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई देरी के, लेट्स बी। वीडियो हो चुके हैं शुरू एंड बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में यार, जो कि डीवीएस के बारे में यानी ड्रैगन बॉल सुपर के बारे में। तो गाइस ड्रैगन बॉल सुपर जो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि रात को 9 बजे आने वाला है, तो गाइस वो पूरा कंफर्म हो चुका है, आया भी है एंड आएगा भी है। आपको देखने को मिल जाएगा मंडे टू फ्राइडे कार्टून नेटवर्क पर ड्रैगन बॉल सुपर, तो आप लोग इसको देख के एंजॉय कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें गाइस, तो ये है 23 जुलाई के बारे में। जी हाँ गाइस, ये कार्टून नेटवर्क का ही अपडेट है, शेड्यूल अपडेट है। तो 23 जुलाई को आपको क्या देखने को मिलेगा, तो गाइस 3 टाइटन्स गो की 2 मूवी आने वाली, एक आएगी 10 बजे सुबह एंड उसके बाद एक आएगी 11 बजे एंड उसके बाद आपको ड्रैगन बॉल जी की मूवी देखने को मिल जाएगी। तो यार बियॉन्ड अनबॉर्न वाली मूवी है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग मूवी होने वाली है एंड इसके बारे में मैंने आपको काफी टाइम से बता रहा हूं, तो आप लोग इनको देख सकते हो। एंड संडे का शेड्यूल है गाइस, तो संडे का आठों तक बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो मिस नहीं करना। एंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में यार, जो कि यूसुफ कैसन के सीजन 1 के बारे में। जी अगर जब आप लोग और सीजन 2 चल रहा भाई, तो सीजन 1 के बारे में ये अपडेट है गाइस कि आपको 28 जुलाई से यूसुफ कैसन का सीजन 1 क्रंची रोल पे हिंदी डब में देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा मजेदार और अच्छी बात है। तो क्रंची रोल पे आप यूसुफ कैसन हिंदी में देख सकते हो 28 जुलाई से। एंड बात कर लेते हैं गाइस हिंदी डब होने वाला गाइस। एंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में यार, जो कि स्पाइडरमैन की न्यू सीरीज के बारे में। तो गाइस स्पाइडरमैन फ्रेशमैन की जो सीरीज है वो यार आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगी 2024 में एंड ये स्ट्रीम होएगा डिज्नी प्लस पे, तो आप लोग इसको भी देख सकते हो, काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है ये वाला, लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम है। तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में यार, जो कि है क्रंची रोल के बारे में। तो क्रंची रोल ने गाइस अभी रिसेंटली मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टाइगर श्रॉफ को रखा हुआ था, उन्होंने अपना ब्रांड स्पॉन्सर किया गया, तो गाइस अब उन्होंने एक और नवे मतलब सुपरस्टार को रख लिया जो कि साउथ की हीरोइन है एंड ये रश्मिका मंडाला मैडम, जो कि यार आपको पता है कितनी ज्यादा मतलब पिछले अभी कुछ टाइम में भी ट्रेंडिंग थी जब इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि एनिमे देखते हैं कि नहीं, तो इन्होंने कहा था मैं एनिमे देखती हूँ एंड मेरा फेवरेट एनिमे है नरूटो। तो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रंची रोल अच्छा काम कर रहा है एंड इससे एनिमे की कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने वाली है एंड क्या पता टी वी में भी देखने को मिलने लग जाए, हालांकि ये कम ही चांस है, बट एनिमे नवे नवे आएंगे हिंदी डब में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड रश्मिका मंडाला मैम कर रही है स्पॉन्सर, तो बहुत अच्छी बात है गाइज। एंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में यार, जो कि है ब्लैक क्लोवर एनिमे के बारे में। तो गाइज ये एनिमे मतलब अभी जो इसका फर्स्ट वाला कोर था वो स्टॉप हो चुका था, काफ़ी टाइम हो गया था एंड इसका सेकंड कोर का बहुत बंदे वेट कर रहे थे, तो रूमर्स का कहना लीक्स का कहना है कि ये आने वाला है, ये शेड्यूल हो रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ब्लैक क्लोवर फैंस के लिए भी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा एंड ये रूमर्स का गाइज कन्फर्म नहीं है कि आ ही जाएगा, बट चांसेस है। एंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में यार, जो कि यूसुफ कैसन की सीजन 2 के बारे में। तो गाइज ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि थाईलैंड में मतलब एक पोस्टर भी लग रखा है, आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा, तो थाईलैंड में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, पोस्टर ही लगा दिया इसका, जो कि काफी ज्यादा अपने आप में बड़ी बात है। तो यूसुफ कैसन सीजन 2 बहुत ज्यादा बवाल कर रहा है, नेटफ्लिक्स का नंबर 1 शो भी हो चुका है एनिमेस वगैरह में इंडिया में एंड इसका पोस्टर भी लग रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है गाइस। बात करें तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में यार, जो कि डोरीमोन के बारे में। तो गाइस डोरीमोन की पोवी नोबितास अर्थ सिम्फोनी, क्या नाम है इसका, सिम्फोनी, तो ये मूवी कंफर्म हो चुकी है मार्च 2024 के लिए एंड आप लोग इसको देख सकते हैं, बिल्कुल नवी मूवी होने वाली है, कोई रीमेक नहीं, कोई भी मतलब पुराने मूवीज का सीन नहीं, बिल्कुल न्यू मूवी होने वाली है, बहुत ज्यादा बवाल करने वाले गाइस ये मूवी यार। तो ये मूवी 2024 में मार्च में एक शेड्यूल हो चुकी है एंड आप लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा, हालांकि टाइम है बट न्यू मूवी एंड 43 मूवी है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है यार। एंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में यार, जो कि पोकेमोन के बारे में। तो गाइस पोकेमोन का सीजन 18 फाइनली हो चुका है एंड अब सीजन 19 का वेट है जिन लोगों को, तो गाइस अभी सीजन 19 की भी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, बट अब ये डिज्नी वाले यानी सुपर हंगामा के ऊपर है कि कब ये हमें दिखाए एंड ज्यादातर चांसेस है कि ये नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकता है, हालांकि अगर ये अपने विंटर्स में दिखा दे दिसंबर नवंबर अक्टूबर में तो काफी ज्यादा अच्छी बात होगी गाइस, बट नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे तो डिज्नी वालों की तो बजने वाली है टीआरपी में, क्योंकि यार आपको पता है अभी मार्केटिंग भी काफी ज्यादा चल रही है, एनिमेस वगैरह कार्टून वगैरह लोग बहुत ज्यादा एनिमे तो बहुत देख रहे हैं, तो पोकेमोन तो बवाल कर देगा, बट अभी सुपर हंगामा के ऊपर है कि वो क्या करते हैं।
बात कर लेते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट के बारे में यार, जो कि अपनी फाइनल अपडेट होने वाली है एंड ब्रूटो के बारे में। तो गाइस ब्रूटो का जो फर्स्ट सीजन था जो खत्म हो गया था एंड सेकंड सीजन जो आएगा उसका 21 अगस्त को आएगा, जो कि ब्रूटो का न्यू सीरीज होने वाला है। जैसे कि नेरूटो था ना, नेरूटो शिपुडेन, उसी की तरह ब्रूटो का सीरीज होने वाला है। ब्रूटो टू ब्लू वोट्रेक्स नाम का ये इसका नाम है, जो कि इसमें मतलब सारे जो एनिमल्स हैं उनकी थोड़ी करेक्टर वगैरह चेंज हो जाएगी। जैसे शिपुडेन में चेंज नहीं हुए थे करेक्टर्स, उसी तरह के करेक्टर्स भी इसमें चेंज होंगे। ब्रूटो वगैरह सबकी लुक बहुत ज़्यादा बवाल होने वाली है गाइस। तो ब्रूटो के लिए तो भाई एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि इसका जो न्यू आने वाला सीरीज है ना बहुत ज़्यादा बवाल करने वाला, देखना मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। एंड कुछ टाइम में आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्यों बोल रहा था ऐसा। तो ब्रूटो भी बहुत अमेजिंग सीरीज है गाइस, एंड उसका जो नेक्स्ट जो अभी सीरीज आने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। बात कर लेते हैं अपनी एक और अपडेट, छोटी सी अपडेट के बारे में, जो कि नेरूटो के बारे में। तो गाइस नेरूटो के 192 एपिसोड हो चुके हैं कंप्लीट, एंड 193 एंड 194 एपिसोड आएंगे जो कि आज आने वाले हैं। एंड नेरूटो में टोटल 220 एपिसोड है, जो कि इसके बाद नेरूटो हो जाएगा स्टॉप। एंड अगस्त में नेरूटो गाइस होने वाला स्टॉप, एंड इसकी रिपीटिंग जो रिपीट टेलीकास्ट है वो शायद चालू हो जाए, एंड मूवी आएंगी या शिपुडेन पे काम होएगा ये तो गाइस अभी पता लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में काफी बातें करेंगे शिपुडेन के बारे में। तो आज की वीडियो बस बहुत लंबी चौड़ी हो गई, आई नो बहुत अपडेट थी गाइस, एंड ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक करो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन पे कर देना, वीडियो शेयर करो दोस्तों के साथ। मिलता हूं ऐसी न्यू अमेजिंग अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।